हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। बिल्कुल फ्री है। रोजाना कुछ ना कुछ अम्मा जी अबिक को कहती और अबिक परेशान हो जाता। यहाँ गौतमी भी अब बहुत परेशान हो गई थी और बीमार पड़ गई थी। बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी। अबिक के बिना काफ़ी टाइम उसने ऐसे बिताया था पहली बार। अबिक के घर आने की घड़ी अब बहुत नज़दीक थी। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, अम्मा जी गौतमी किसी टेंशन में है क्या? बीपी लो हो गया है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो एडमिट करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। तभी अम्मा जी ने आकाश को फ़ोन घुमाया। हेलो हेलो बेटा आकाश। बेटा मैं गौतमी की सास बोल रही हूँ, मैं अकेली हूँ, अभी को आने में अभी एक सप्ताह बाकी है, तुम आ जाओगे क्या? यहाँ मुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा, वो गौतमी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आकाश हाँ कर देता है और आकाश शाम को ही गौतमी के घर पहुँच जाता है। आकाश उसका ख्याल रखने लगा। गौतमी के फ़ोन पर अभी का कॉल आया तो अम्मा जी ने तुरंत उठाया। हेलो, हाँ बेटा कब आ रहा है? बस माँ 4-5 दिन में। क्यों, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो। बेटा वो बोलिए ना क्या हुआ। वो आकाश आया है घर पे। क्यों, वो वहाँ क्या कर रहा है? वो गौतमी से मिलने आया है, गौतमी के कमरे में बैठा है। अभी का पारा अब 7वें आसमान पर था, गौतमी को तो होश तक नहीं था। एक रात तो अम्मा जी ने आकाश को यहाँ तक कह दिया कि वो गौतमी के पास यहीं सोफे पर बैठ जाए, पूरी रात उसके पास ही रहे। आकाश बेटा तुम यहीं सोफे पर बैठ जाओ गौतमी के पास, अब इस बूढ़ी उम्र में उठना नहीं होता, मैं यहीं हूँ चारपाई पर। आकाश उनकी बात मानकर वहीं सोफे पर बैठा रहा। बड़ा नेक दिल लड़का था और गौतमी का अच्छा दोस्त भी था। अगली सुबह अब एक घर आ गया था। घर के अंदर घुसते ही आंगन में माँ नजर आई, चारपाई पर लेटी हुई थी। प्रणाम अम्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। गौतमी कहाँ है? बेटा वो क्या हुआ बताइए ना, झिझकते हुए अम्मा जी बताने लगी। अम्मा जी का इशारा गौतमी के कमरे की तरफ था। अभी जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ा, उसी समय आकाश गौतमी को सहारा देकर बिठा रहा था और जूस पिला रहा था। जैसे ही गौतमी ने अभी को देखा, वो हैरान हो गई और रो पड़ी। अभी आप कब आए, कैसे हैं आप? गौतमी बेड से उठने की कोशिश करती रही पर उठ नहीं पा रही थी। आकाश ने उसे सहारा देकर अभिक के पास खड़ा किया। अभिक की आंखें गुस्से से लाल थी। गौतमी अभिक के गले लग गई। तभी अभिक ने तुरंत गौतमी को अपनी बाहों से दूर झटका। बंद करो ये नाटक, बहुत सही गौतमी, मेरे भरोसे का खूब फायदा उठाया तुमने। गौतमी हैरान थी कि अभिक को क्या हुआ। अभिक क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ तो शर्म करती यार, अम्मा जी के सामने ही अपने दोस्त को बुलाकर तुम। छी अभी चुप करिए, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं कहना, ना तुम्हारी शक्ल देखनी। चली अभी जी, आप गलत समझ रहे हैं, गौतमी की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैं यहाँ आया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अभी का आप क्या बोल रहे हो? बस करो गौतमी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। गौतमी समझ गई थी कि अभिक को पूरी तरह भड़का दिया गया है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी अभिक। गौतमी उसी हालत में सब छोड़ के घर से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। आकाश उसे संभालता हुआ वहां से ले जाने लगा। एक पल कदम रोकते हुए तभी आकाश ने पलटकर अभिक से कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता अभिक जी। गौतमी को वहां से लेकर आकाश ने उसे उसके मायके छोड़ दिया। मायके में ये सब सुनकर हैरान थे कि अम्मा जी ने ऐसा किया, पर क्यों? गौतमी ने सबको कह दिया था कि कोई भी उसकी तरफ से सफाई देने के लिए अभिक को फोन नहीं करेगा। अभिक यहाँ बहुत अपसेट था। कमरे में जाकर वो गौतमी को बहुत याद कर रहा था। अलमारी खोलकर उसकी साड़ी, उसके गहने, बिंदी, चूड़ी सब कुछ होकर उसका एहसास महसूस कर रहा था। अम्मा जी ने अभी को बहुत समझाया कि वो अब गौतमी को छोड़ दे, आगे बढ़े लाइफ में, पर अभी एकदम शांत था
और अम्मा जी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, पर कुछ टाइम के लिए उन्होंने भी अभी को अकेला छोड़ दिया और वो वापस अपने घर लौटने की तैयारी करने लगी। बेटा अभी चलो, यहाँ तुम अकेले क्या करोगे? अम्मा अब जाइए, मैं आता हूँ कुछ दिन में, यहाँ काम है मुझे कुछ। चलिए मैं आपको स्टेशन छोड़ आता हूँ। स्टेशन छोड़ आने के बाद अभिक ने आकाश को एक लड़की के साथ देखा। वो लड़की आकाश का हाथ पकड़े उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैसे ही अभिक आकाश के पास गया तो उसने देखा वो लड़की कोई और है। तुम यहाँ क्यों? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? अभिक ने गुस्से से आकाश को कहा। बस करो अभी, पढ़े लिखे लगते हो, अपनी अक्ल दौड़ाओ थोड़ी। तुम्हारे पीछे वो बहुत बीमार थी और तुम्हारी अम्मा जी ने ही मुझे कॉल करके वहां बुलाया था। और हाँ, उससे पहले की कहानी जाननी है ना, तो एक बार जाके गौतमी से मिल लो या उसकी दोस्त रश्मि को कॉल कर लो। तभी आकाश की गर्लफ्रेंड ने भी अभिक से यही कहा। हाँ अभी जी, मुझे आकाश और गौतमी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि गौतमी ने ही हमें मिलवाया था। वो ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। आपको सबकी ना सुनकर एक बार गौतमी से मिलना चाहिए। अभिक वहां से गौतमी के घर निकल पड़ा। गेट खोलने पर गौतमी की छोटी बहन चिल्लाई, दीदी जीजा जी आए हैं, माँ पापा कहाँ हैं आप? गौतमी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अभिक सीधा उसके कमरे में ही चला गया। गौतमी ने जैसे ही अभिक को देखा वो गुस्से से बेड से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, लगता है कोई कसर रह गई थी सुनाने में। नहीं, मैं तुमसे सुनने आया हूँ गौतमी, तुम्हारे और आकाश के बीच। बात काटते हुए गौतमी ने तुरंत बोला, चुप करिए आप, अभिक वो मेरा दोस्त है, भाई भी है, आपको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ अम्मा जी की बात सुनकर मेरा साथ छोड़ दिया। क्यों? मुझे मौका क्यों नहीं मिला? उन्होंने क्या किया वो नहीं जानना चाहेंगे आप? अब तक मैं चुप रही, पर अब नहीं, बात मेरे चरित्र पर उठ रही है, तो उसके लिए तो मैं किसी की नहीं सुनने वाली। अम्मा जी के आने के बाद मेरी जिंदगी दुखों से भर गई। रो रो कर गौतमी एक एक बात अभिक को बताई जा रही थी कि अभिक की माँ नहीं चाहती वो साथ रहे। अभिक ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा हुआ और हैरान भी, क्योंकि गौतमी जैसी भी है पर वो अभिक की झूठी कसम नहीं खाएगी। अभिक ने गौतमी से तुरंत कहा, मैं इतना कहूँगा कि मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दे दो, मैं जा रहा हूँ अम्मा के पास सच पता करने। अभिक वहाँ से निकल गया। अपने घर पहुँचा तो कुछ रिश्तेदार अभिक के यहाँ आए हुए थे, जिसमें से अभिक की चाची अम्मा जी से कह रही थी, ये आपने बहुत सही किया, हमें तो शुरू से ही गौतमी पसंद नहीं थी। पर वो लड़का सच में गौतमी का बॉयफ्रेंड था? नहीं नहीं, वो तो हमने ऐसा दिखाया अभिक को ताकि वो उस बेकार लड़की को छोड़ दे, घमंडी एक नंबर की, पढ़ाई का घमंड है उसे बहुत। तभी अभिक चिल्लाकर बोल पड़ा, बहुत सही अम्मा जी, सही किया आपने, आपके घमंड के आगे तो उसका घमंड बहुत छोटा निकला। अम्मा जी घबरा गई, बेटा अभिक क्या हुआ, भर दिए उसने कान तुम्हारे? नहीं, अभी सब सुना मैंने। क्यों किया आपने ऐसा? वो बेचारी आपकी सेवा करती रही और आप? उसने कहा था मुझे कि अभी अम्मा जी मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं आपके प्यार में अंधा था, उस पे भरोसा करना भूल गया। बहुत सही, बुढ़ापे में अगर औलाद माँ बाप को छोड़ दे तो दुनिया उसे गलत कहती है, और आपने जो किया मैं उसे क्या बोलूं? जय राम जी की अम्मा, अब मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा और मेरे और गौतमी के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अभिक तुरंत गौतमी को लेने उसके मायके पहुंच गया। गौतमी, मुझे माफ कर सकती हो क्या? गलती तो बहुत बड़ी है मेरी, तुम पे भरोसा नहीं किया, पर गौतमी रो रही थी और अभिक को देखे जा रही थी। अभी मेरा दिन तुमसे ही होता है और रात भी सिर्फ आपसे प्यार किया है, उस टाइम मुझे आपकी बहुत जरूरत थी और आज भी है। अभिक ने गौतमी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और दिल से माफी मांगी। गौतमी अभिक के साथ वापस घर लौट गई। दोस्तों, कभी कभी नफरत में हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना बना लेते हैं, उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, पर सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं छुपती, क्योंकि झूठ की उम्र बहुत कम होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सुनते रहिए प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।